अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो जी आज मेरे घर में दावत है, जो कल मैं दोस्तों की तरफ गई थी ना, तो उन्हीं दोस्तों को आज मैंने बुलाया। ठीक है, तो फिर अभी बस बनाने लगी हूँ मैं। बिल्कुल सिंपल सा खाना बनाऊँगी। चिकन निकाला हुआ मैंने, ये देखें, चिकन बनाऊँगी सालन, और इसके साथ ये चने मैं बॉईल कर रही हूँ। ये देखें चने बॉईल हो रहे हैं। चनों का बनाएंगे हम लोग वो पुलाव, ठीक है, वाइट चना पुलाव। तो उसके साथ मैं बना रही हूँ सैलड, और ये बर्तन भी देखें धुल के रख दिए गए हैं। ये देखें धुले हुए हैं अभी, तो ये बस जैसे ही फिर मेहमान आएंगे ना, तो फिर टेबल पर लगा दूँगी सारे बर्तन। और उसके बाद साथ में मंगवाएँगे नान, और इसके साथ फिर क्या होगा, सैलड होगा, और साथ में रशियन सैलड बनाऊंगी, और साथ में रायता। सिंपल खाना है आज का, गर्मियों में यही खाना अच्छा लगता है, ज़्यादा वो ओवर भी नहीं अच्छा लगता है। तो बस इसके साथ कोल्ड ड्रिंक्स होंगी, और साथ में ये सारी चीज़ें मतलब होंगी। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ लें, देखिए मैं आज क्या क्या बनाती हूँ। और आज हो सके तो मैं चना पुलाव की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और हताश भी खाना खा चुका है, हम लोग नाश्ता उसका हो चुका है, और बेजात का भी खाना बनाने लगी हूँ। कल जो सालन बनाया था ना वो पड़ा हुआ है, मैंने कहा चलो उसी में बेजात को मैं रोटी साल लगा देती हूँ, तो वो खा लेंगे खाना। ठीक है, नेक्स्ट के खाने से अच्छा है कि वो घर का ही खाना वो खा लें, तो बेजात भी खाना खा के चले जाएँगे। उसके बाद भी रात का खाना उनका होगा वो वाला जो हम बनाएँगे आज। बस अभी लगने लगी हूँ तैयारियों में, बर्तन तो हो गए हैं सारे मेरे हाथ में, क्योंकि बर्तनों का सबसे ज़्यादा मसला होता है बर्तन आपके धुले हुए ना हो ना, फिर खुश्क बर्तन रखो वो अच्छा लगता है। और ये मैं लेके आई थी चम्मचों के लिए, ये मेरा, ये मैंने इम्तियाज़ से लिया हुआ है, मुझे बहुत पसंद है, इसमें चम्मच वगैरह रखने लगी हूँ मैं। तो बस अभी रखते हैं, और उसके बाद फिर जो बाकी जो रोटीन है सारा दिन जो वो साथ साथ शेयर करूँगी। और ये देखें खाना तैयार हो चुका है, मैंने चने वाले राइस बनाए हैं, चने पुलाव, और ये चिकन और मटर का सालन है, और साथ ये रशियन सैलड है, और साथ में ये सैलड। तो बस अभी खाना तैयार हो चुका है, रायता मैं उधर रख चुकी हूँ, तो उसकी मैं एक दफ़ा पिक ले लूँगी। तो अभी खाना हम लोग खाने लगे हैं, और बस उसके बाद इंशाल्लाह चाय का प्रोग्राम है, तो फिर चाय बनाएंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ सारा, क्योंकि अभी सारे उधर बैठे हुए हैं, तो फिर मैं उनके सामने नहीं वीडियो बना रही थी, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है। और चलें, ये रहा हमारा आज का खाना, अभी हम लोग खाना खाने लगे हैं, हमारा ये रात का डिनर भी है और लंच भी है, अब उसको क्या कहते हैं वो नहीं मुझे पता। चलें अभी बस मैं रखती हूँ खाना, मेहमान वेट कर रहे हैं, और बाद की जो रूटीन है बाद में दिखाती हूँ। और रोटी में मैंने ये नान रखे हैं, ये देखें, तो अभी बस सारी चीज़ें मैं सर्व करने जा रही हूँ, क्योंकि फिर गर्म है, अभी ठंडी हो जाएंगी, फिर खाने का मज़ा भी नहीं आएगा। तो चलें अभी मैं खाना रखती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको बाद की रूटीन। तो ये देखें अभी किचन के सारे बर्तन वॉश कर लिए हैं हम लोगों ने, और सारी चीज़ें समेट ली हैं, दूध वगैरह जो बॉईल किए हुए थे वो रख लिए हैं, और अभी बस हम लोग खा रहे हैं सामान वगैरह जो बचा बुचा था वो सारा, चावल बचे थे वो तो मैंने दे दिए सबको, और ये नान पड़े हैं सुबह दे दूँगी उसको, अभी इसलिए रखेंगे ऐसे ही, ताकि ये देखें ये भी लगवाई है, इसी वजह से मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाई, मरियम के दिखाती हूँ आपको, ये देखें, ये देखें इसके दूसरा दिखाओ, हाँ ऐसे कितनी प्यारी लगाई है मेहंदी, इतनी माशाल्लाह उसने नीट लगाई है, मेरी जो दोस्त है उसकी नंद है, उसने लगाई है हमें मेहंदी ना, ये देखें मरियम, ये फ्रीजर में रख दो, और ये देखें अभी अरताश के सुबह से चार यूनिफॉर्म चेंज हो चुके हैं, अभी पांचवा चेंज किया है, और अभी ये लेट गया है, अच्छा चला देती हूँ, और इसने मोबाइल अपना फिर तोड़ लिया है, जो पहजाद अभी तीन चार दिन पहले बना के आए थे, और उसका पैनल फिर से तोड़ दिया है, और बस अभी इसके साथ ही मैं अपने ब्लॉग का भी एंड करती हूँ, क्योंकि अभी रात काफ़ी हो चुकी है, और अभी सोने का टाइम है, हम सोने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह कल, तो चलें ठीक है फिर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको सबसे पहले देखने को मिलें। इसके साथ ही इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, बाय बाय।